इसमें कोई शक नहीं कि आम इंसान मरता है तो आम इंसान का मरना एक आम मोमिन का इंतकाल है, एक आम मोमिन का इंतकाल है। अफसोस है, रहलत पर इन्ना लिल्लाह होना चाहिए, लेकिन अगर कोई आलिम बाहर खिताबत और फसाद रखने वाले पता करते हैं तो मौतुल आलिम मौतुल आलम, एक आलिम की मौत एक आलम की मौत। इस मिंबर से अभी इसी साल में आपके सामने शताबत के फराइज अंजाम देकर जाने वाले कौन सा एग्जाम थे? एग्जाम शहादत जनाबे से, और उन एग्जाम में मौलाना सैयद हाशिम रजा जा थे, जो आपके यहां शताबत के फराइज मिंबर से अंजाम देकर गए थे, आज दुनिया से रुखसत। बड़े तवील अरसे तक गालिबन रजब शाबान के दोनों महीने ऐसे गुजरे थे जो वो इस हालत में थे कि ना होश था ना हवास थे, इसे कहते हैं कुमा में चले गए थे, और वो सफर उसी हालत में खुदा की रहमत से मुतसिल हुए मौतुल आलिम मौतुल आलिम। किसी मोमिन के इंतकाल पर शैतान को इतना परेशानी नहीं होती, इतनी ज्यादा उसको खुशी नहीं होती, ठीक है वो भी पढ़ गए, लेकिन कोई आगे वाला पढ़ते तो शैतान बड़ी खुशी मनाता है कि एक बहुत बड़ा रुकावट उसके रास्ते में थी दूर। आप फरमाते हैं सालों में इस्लाम एक आलिम के बने से इस्लाम में ऐसा रखना पैदा हो गया इससे कभी पुर नहीं किया जा सकता। सैयद की खिदमान थी, उनकी खिताबत, उनका चेहरा, नूरानी चेहरा निगाहों में रहेगा। लेकिन बात बड़ी आसान सी, एक परदेश में इंतकाल किया, मस्कत में थे, इंतकाल किया, लेकिन कितने पूरे दुनिया भर में खबर फैल गई, और जहां जहां दीन की खिदमत अंजाम दी थी वहां वहां से लोगों ने फातिहा और तिलावत कुरान और इस सारे सवाब के लिए अरबी से काम शुरू कर दिया। ये हुसैन का मानने वाला मर्द है, खुदा न करे कि परदेश में ऐसे मर जाए जैसे जहरा का लाल करमल। सूरह फातिहा की तमाम मौलाना सैयद हाशिम रजा जाफरी मरहूम अल्लाह हु अन्हु के लिए फरमाते हैं। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम।